देश में जिस तरह से बिजली संकट यानी कि पावर क्राइसिस गहराता ही जा रहा है, ऐसे में बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई वो ये कि कोयले की कमी कोल क्राइसिस दूर करेगी पैसेंजर ट्रेन्स। जी हाँ, कैसे वो इस वीडियो में आप आगे चलकर जान सकते हैं, तो अंत तक जरूर बने रहे। फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं करते चले और देश के बड़े बड़े शहरों की बात करें तो हर जगह इस समय बिजली की शॉर्टेज से लोग परेशान आ चुके हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में लंबे लंबे पावर कट्स होना, पावर क्राइसिस झेलना बेहद प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है। और अब लोगों के बहुत से काम जो है वो इससे रुक चुके हैं और कारोबार बिजनेस की बात करते चले तो उसमें भी दिक्कतें आना स्टार्ट हो चुकी हैं। ऐसे में जानकारी ये भी हो कि भारत की बहुत सी पावर जनरेशन प्लांट, जी हाँ पावर जनरेशन प्लांट कोयले की कमी कोल क्राइसिस झेल रहे हैं और इससे पावर क्राइसिस आए दिन गहरा गया है। और साथ ही साथ ब्लूमंग की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि रेलवे ने इसे निपटाने के लिए और कोयले की अनइंटरप्टेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई पैसेंजर ट्रेन्स को रद्द कर दिया है, कैंसिल करने का फैसला लिया, ताकि कोयला ले जा रही माल गाड़ियों को और तेजी से चलाया जा सके और उसे समय निर्धारित स्टेशंस पर पहुंचाया जा सके। दर्शकों आपको बताते चले कि देश भर में बिजली का संकट तब गहराया जब चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी बीच पावर जनरेशन प्लांट्स में भी कोयले की मांग बढ़ रही है, लेकिन कोल क्राइसिस भी झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन मांग के अनुरूप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। इस समय ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश में पावर क्राइसिस जो है वो देखे जा रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि अब पैसेंजर ट्रेन्स को रद्द करने का फैसला जो है वो लिया गया है। ये टेम्पररी बेसिस पर कैंसिल की जाएंगी जो पैसेंजर ट्रेन्स की हम बात कर रहे हैं, ताकि कुछ समय के लिए ये जो कोल क्राइसिस है इन्हें रोक दिया जा सके। वहीं दूसरी ओर देश की बिजली का लगभग 70% प्रोडक्शन जो है वो थर्मल पावर सेंटर से होता है, और ऐसे में अगर हम कोल क्राइसिस की बात करते चले तो इसकी वजह से भारत के कई हिस्से लंबे समय से ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं, जबकि कुछ इंडस्ट्रियल फ्यूल की कमी के कारण भी प्रोडक्शन में कटौती कर रहे हैं। और इस संकट की वजह से महामारी से उपजी मंडी से अर्थव्यवस्था के विकास में खतरा पैदा कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि आने वाले समय में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है, और इसके अलावा एशिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक इंडियन रेलवे के कार्यकारी निदेशक गौरव कृष्ण बंसल ने यह कहा कि ये पैसेंजर ट्रेन्स को कैंसल करने का उपाय जो है वो टेम्पररी है। जी हाँ, कोल क्राइसिस जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक पैसेंजर ट्रेन्स को रद्द किया जाएगा और स्थिति सामान्य होते ही यात्री सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पावर प्लांट तक कोयले की ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले समय को कम करने के लिए ये कदम जो है वो उठाया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कोयले की ट्रांसपोर्टेशन के लिए अक्सर रेलवे को लेट लतीफी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, और गाड़ियां और रेक्स की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इसे देखते हुए रेलवे ने अपने बेड़े में से 1,00,000 और वेगन जोड़ने की योजना जो है वो बनाई है, और इसके अलावा रेलवे माल को तेजी से पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भी बना रहा है। तो दर्शकों ये थी बड़ी खबर आपके समक्ष, जो खबर है पावर क्राइसिस से संबंधित। अब इसका सोल्यूशन हल्का सा आप कह सकते हैं कि निकाला गया, कहीं ना कहीं पैसेंजर ट्रेन्स जो है वो फिलहाल आप कह सकते हैं कि रद्द रहेंगी थोड़े समय के लिए, ताकि कोल क्राइसिस जो है उनमें थोड़ा सुधार देखा जाए, और जैसे ही स्थिति थोड़ी सी भी इम्प्रूव्ड होती नजर आती है तो एक बार फिर इन्हें बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल ये थी पूरी खबर आपके समक्ष, ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें सच न्यूज़ नेटवर्क। दीजिए इजाजत, जय।